हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एनएन टीवी। जैसा कि आप सभी को मालूम है, शिहाब चतुर एक जानी मानी शख्सियत जिन्हें आज 105 दिन हो चुके हैं और बहुत सारे लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि 105 दिन हो गए हैं और शिहाब चतुर अभी भी इंडिया में ही क्यों हैं। तो इसी का जवाब आज आपको एनएन टीवी देगा। बाकी बहुत सारे फेक वीडियो चल रहे हैं कि शिहाब चतुर पाकिस्तान पहुंच गए हैं, शिहाब चतुर यहाँ पहुंच गए हैं, शिहाब चतुर वहाँ पहुंच गए, और सब फेक वीडियो है। आप सबको छोड़िए और एनएन टीवी को अभी सब्सक्राइब कीजिए शिहाब चतुर के परफेक्ट लोकेशन और परफेक्ट न्यूज़ के लिए। हेलो व्यूअर्स, मैं मोहम्मद शहजाद, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आप सभी का स्वागत, खुशामदीद एनएन टीवी में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, 105 दिन शिहाब चतुर पहुंच चुके हैं व्यूअर्स, और शिहाब चतुर का एग्जिट लोकेशन अगर हम आपको बताएं तो शिहाब चतुर फरीदकोट पहुंच चुके हैं। फरीदकोट इंडिया में है और फरीदकोट पंजाब में है। फरीदकोट का पिन कोड 151203 है। फरीदकोट से पाकिस्तान की वाघा बॉर्डर का अगर डिस्टेंस देखा जाए तो 144 किलोमीटर 144 किलोमीटर अभी भी पाकिस्तान से शिहाब चतुर दूर है। आज 105वां दिन है। जो भी वीडियो आप देख रहे हैं वो सभी फेक वीडियो हैं। लोग सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए लगातार झूठी खबरें फैला रहे हैं। सच्ची खबर के लिए आप सबसे पहले एनएन टीवी को सब्सक्राइब करें। शिहाब चतुर 144 किलोमीटर अभी भी वाघा बॉर्डर से दूर है। अगर फरीदकोट की बात करें तो फरीदकोट से भाना, चाकदुड़ी होते हुए मुटकी, ये सब फिदे कुछ एरिए है जो हम आपको नाम बता रहे हैं। तलवंडी भाई यहाँ से होते हुए मिहान वाला कलन, गडरी वाले सनराइज रिजॉर्ट होते हुए मलसाइन, शहजादा सेंट, सिंगवाड़ा, भैंक, गुजरन, खदूर, किल्ली बोड़िया, चाकधानगिरी, तलवाड़ी, नेपलान, ये उन शहरों के, उन इलाकों के हम आपको नाम बता रहे हैं हरी के, जहां से शिहाब चतुर होते हुए पाकिस्तान की वाघा बॉर्डर पहुंचेंगे। तकरीबन उनको 5 से 6 दिन अभी पाकिस्तान की बॉर्डर पर पहुंचने के लिए और लगेंगे। अभी मेरहाना पहुंचने को भी उन्हें बहुत समय है, रानिया पहुंचने को भी उनको बहुत समय है। तो जो भी वीडियो आप देख रहे हैं सब तकरीबन फेक वीडियो है। शिहाब चतुर का एक ऑफिशियली चैनल है, उसके बाद में आप एनएन टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताज़ा तरीन शिहाब चतुर की खबरों के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, फरीदकोट का एक गांव है, यहां पे शिहाब चतुर ने रात बिताई है और सुबह उठकर वो एक खेत का जायजा ले रहे हैं। शिहाब चतुर मलयालम में बात करते हैं, उन्हें हिंदी बराबर नहीं आती है, इसीलिए आप लोग गुस्सा ना हो। शिहाब चतुर अभी गांव का जायजा ले रहे हैं। ये देखिए, खेत के बारे में बता रहे हैं, खेत खलियान को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि व्यूअर्स 365 दिन का सफ़र कोई मामूली सफ़र नहीं है। हम 10 से 15 दिन अगर अपने घरों से बाहर रहते हैं तो हमारे हाथ पैर जवाब दे देते, हमारी बॉडी जवाब दे देती है और हमको अपने घर की याद आती। लेकिन ये कितने बड़े काम पर शिहाब चतुर निकले हैं, केरला से मक्का पैदल निकले हैं हज के लिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और उनके लिए आप दुआए खैर कीजिए। और शिहाब चतुर का मकसद क्या है, आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो बार बार आपको ये कभी एहसास होता होगा कि भाई शिहाब चतुर तो फ्लाइट से भी जा सकता था, पानी के जहाज से भी जा सकता था, तो उन्होंने पैदल जाने का ही क्यों डिसाइड किए। तो इंडिया से एक शांति का पैगाम लेकर निकले हैं शिहाब चतुर, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक होते हुए जो सऊदी अरब पहुंचेंगे, तो ये हमारे देश भारत का, हमारे देश इंडिया का कितना नाम होगा कि एक हिंदुस्तान से ऐसा शख्स, ऐसा मुस्लिम शख्स निकला है शांति का पैगाम लेकर, जो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है जिसका पैगाम। और शिहाब का मकसद यही था कि शांति का, अमन का, भाईचारगी का पैगाम लेकर हज को जाया जाए, वरना हज को
फ्लाइट से भी जाया जाता है। उम्रा कर लिया होता शिहाब ने, एक साल में 4 से 5 उम्रा कर लेते वो एक्स्ट्रा परमिशन लेकर। तो उनका मकसद आप देखिए कि उनका मकसद कितना पाक है। फुटेज उनको इतना मिलेगा ये उन्होंने नहीं सोचा था, क्योंकि शिहाब चतुर की वीडियो सिर्फ मुस्लिम ही नहीं पसंद करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, एससी, एसटी, इंडिया में जितने भी समाज के लोग हैं सभी समाज के लोग खुश है, क्योंकि शिहाब चतुर भारत का नाम रोशन कर रहा है, इंडिया का नाम रोशन कर रहा है, हमारे देश हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहा है, और जो हिंदुस्तानी है उसके लिए ये गर्व की बात है, खुशी की बात है कि एक हिंदुस्तान का बंदा, वो कोई भी समाज का हो, हिंदुस्तान का जब भी नाम रोशन कोई भी इंसान करता है, कोई भी समाज से वो ताल्लुक रखता हो, तो देश का हर देशवासी उसके इस काम पर खुश होता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट्स में गुड बैड जो भी लिखना है वो लिखिए, और अगर अभी तक इतना वीडियो देखने के बाद भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वजह बताइए चैनल को नहीं सब्सक्राइब करने की, अदरवाइज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए हर ग्रुप में, हर पेज पर। अल्लाह।